मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है बाहर और धूप देखिए कितनी, ऐसा लग रहा है जून का महीना दोबारा आ गया। और अभी जो है हमारे रूटीन जो है शुरू हो चुकी है और अभी जो हूँ मैं अपने ये कपड़े मैंने धो के निकाले हैं तो अभी मैं ये बस इनको तय लगाती हूँ। और अभी हमारे घर में जो है सफाई भी हो रही है, सब ये देख सकते हैं सफाई हो रही है और यहाँ पर और अभी ये जारी है। अभी मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने लगी, रोज़ाना ये कि फ्रेंच फ्राइज़ ही बनता है, ये ना इससे दिखाना मनी मैं इससे करके देखूँ, इससे जो है ना मुझे करने ही नहीं आ रहा। ये देखें ये पता नहीं क्या और इतना वो है, इससे करने नहीं आ रहा मुझे, मैं इस तरह करके इसका थोड़ा ट्राई करती हूँ कि शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि इससे करने की आदत नहीं है ना तो इस वजह से इससे नहीं हो रहा। ये देखें मुझे इतना मुश्किल लग रहा है इससे करना ना, मैं ट्राई कर रही हूँ कि शायद आ जाए इससे करना, लेकिन ऐसा डर लग रहा है कि कहीं हाथ ना कट जाए, इसमें मेरे ख्याल से जान लगाना पड़ती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो है यहाँ पे ये देखिए अभी बकरे का गोश्त फ्राई कर रहे हूँ, अभी बॉईल करने रखा है और इधर जब फ्रेंच फ्राइज़ भी बन रहे हैं और माशाल्लाह हवा भी इतनी अच्छी सी चल रही है, देख सकते हैं आप। बस अभी हमारा किचन में काम हो रहा है, ये हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करेंगे। देखें घर में जो फ्रेंच फ्राइज़ ना इतने अच्छे नहीं बनते, बाहर के ना बहुत अच्छे होते हैं, पता नहीं क्या वो लोग ऐसा करते हैं कि क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हाँ और पर इसके बाद जो है हम लोग वाटर पंप पे आ गए, मैं आ गई भाभी एक बड़ी भाभी के साथ ग्रॉसरी देखने और यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी देखें सारे रेट, चावलों की भी रेट पूछ रहे थे, सारे रेट सबकी एक ही जैसे हैं कि कोई चीज़ पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती तो कुछ भी नहीं है, सभी सब महंगे हैं, एक से बढ़ के एक महंगाई है। तो भाभी सारे रेट पूछ रही थी और मैं पीछे वीडियो बना रही थी और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी रश था तो अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बोलूं वहाँ पे व्लॉग बनाऊं, तो खामोशी से मैंने कहीं वीडियो बनाई है। और ये भाभी राइस के प्राइस पूछ रही थी, तो वैसे दागी राइस जो है ज़्यादा अच्छे होते हैं, हम लोग ज़्यादा वही खाते हैं। तो ये देखें सब कहने की बातें होती हैं कि ना आप मॉल में चीज़ें महंगी होती हैं और जैसे ऐसे ऐसी जगहों पर सस्ती मिलता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही महंगाई है, वही सब कुछ है, जो कुछ भी इंसान जो है ना बस अफोर्ड करना जो इंसान के बस से बाहर है। ये वाली दुकान पे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, दिखाइए लाल दिखाएं, अंकल लाल दिखाएं ज़रा, कौन से वाले लाल है? ये वाइट चावल जो होते हैं ना बेटे, ये होते हैं सादे चावल नेचुरल, ये जो ऑफ वाइट बेज कलर के चावल होते हैं ये स्टील चावल होते हैं। वाली शॉप पे आ चुके हैं, ये वाली शॉप देखिए, यहाँ पे सारे होलसेल शॉप हैं और अभी मैं इस वाली शॉप पे आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये राइस की है। तो मैं हूँ वाटर पंप पे, अभी हम लोग यहाँ पे राइस देख रहे हैं और अभी देखें क्या होता है, अभी चॉइस कर रहे हैं। अभी हमने ये वाले राइस लिए हैं, ये बहुत अच्छे राइस हैं, खाने में भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने ये वाला ले लिया है और अभी ये जो है अभी यहाँ पे ये देखें सारे ये इतने सारे ये देखें ये भी है यहाँ पर, और ये सब राइस ही राइस की शॉप है, ये सारी आपको राइस ही शॉप मिलेगी और इधर कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। दाल भी ले रहे हैं, तो ये वाली दाल देख सकते हैं आप, ये मसूर मूंग की दाल है और इधर मसूर की दाल है, काफ़ी सारी दालें हैं यहाँ पर, ये देखें आप कितनी दालें और कितनी वैरायटी है। होलसेलर मलका कौन सी वाली, मलका काली, अच्छा काली मलका भी बता दें अंकल, तो ये जो है अंकल इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश जल्दी से अंकल काली ऐसे एक पाव वो भी कर दें। और हम लोग ये वाली दूसरी वाली होलसेलर पे खड़े हैं और अभी जो है हम लोग देख सकते हैं आप कि वाटर पंप पे, तो खैर मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा वाटर पंप पे शॉपिंग करने का, तो आप देख सकते हैं कि बस अभी हम आगे निकल रहे हैं। आपको यहाँ पे बस शॉप ही शॉप नज़र आएंगी सारी, ये देख सकते हैं आप कि ये मसालों की शॉप है और ये देख सकते हैं आप ये मसाले हैं और इधर दाल है और ये देखें कितना बड़ा दुकान है।
ये है चक्की, ये आगे हम लोग वाटर पंप, बहुत ही बुरी जगह है ये, देखो मिल्क पैक ही देख लेंगे वरना उमंगी है यहाँ पे तो। हाँ उमंगी चाइनी अच्छी बनती है। बैठी हूँ अभी, हमने उन्हें राशन दिया है और अभी बस मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ भाभी का कि वो आ जाएं तो फिर हम लोग निकलते हैं। ये देख सकते हैं आप, हम लोग सब राशन लेके घर में आ चुके हैं, चावल आटा और ये सब सारी चीज़ें लेके बस अभी 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 आए हैं यहाँ पे और बस थक गए क्योंकि बाहर इतनी धूप भी थी गर्मी भी थी और अगर मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ कर सकूं तो इस वजह से बस आते के साथ ही चाय अगर ना मिले, और पता है आपको चाय के बग़ैर तो इंसान की लाइफ नामुकम्मल है, बस चाय पीते हैं मज़े मज़े लेते चाय के। वाला सर्फ लिया था मैंने, ये जो होता है ना ऐसी बर्तन धोने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये मैंने बोला ट्राई करती हूँ ये कैसा होता है ना, तो क्योंकि ये ना इससे आप बर्तन काफ़ी ना चमक जाते हो, झाग भी बनता है, आप पोछा भी लगा लें जैसे फ्रेश का कुछ भी पोछा लगा लें, खिड़कियाँ वगैरह साफ़ कर लें, कुछ भी कर लें, तो ये अच्छा सर्फ होता है क्योंकि जाहिर बात है आप कपड़े धोने वाले सर्फ से आप धोएंगे तो वो तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो आप यही वाला सर्फ यूज़ किया करें पोछा लगाने के लिए और बर्तन वगैरह धोने के लिए भी। खाने में बना है कलेजी, तो अभी पक रही है, अभी तो हम आपको नहीं दिखा सकते, कलेजी का सालन बन रहा है और साथ बनेंगे ये देख सकते हैं सादे से राइस, ये देखिए कितने अच्छे से राइस हैं, ये राइस को कहते हैं दागी राइस जो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आप पुलाव बना ले या बिरयानी बना ले या सादे खा लें, ये हर तरह के इसमें बहुत अच्छे बनते हैं।